हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉप रिफ्लेक्ट एंड ग्रो। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो मेरे लिए 2024 इट स्टार्टेड विद द ऑसम बैंगलोर ट्रिप और मैं अमृतसर एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही थी। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सच्ची कहानी है, मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा सा एयरपोर्ट के बारे में बताऊँ कि श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अमृतसर में है और ये एक लौता एयरपोर्ट है जहाँ पे आपको सिख टेंपल या आप कह सकते हैं गुरुद्वारा साहिब मिलेगा। ये एयरपोर्ट का नाम सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी पर रखा गया था और इस एयरपोर्ट को राजा सांसी एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है नॉर्दर्न इंडिया में आफ्टर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली। तो इस एयरपोर्ट के पीछे एक सच्ची कहानी है जो लोगों को बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलूँगी कि भगवान पे विश्वास नहीं है वो ये कहानी है, तो ज़रूर सुने। तो ये ऐसा है कि जब ये एयरपोर्ट बना और फ्लाइट्स का आना जाना शुरू हुआ तो पायलट्स ने कंप्लेन करना शुरू किया कि हमें नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, उनको रनवे नहीं दिखता था और पानी ही पानी दिखता था। तो सारी फ्लाइट्स उसके बाद दिल्ली वापस चले जाती थी। तो दिल्ली से फिर एक रिसर्च टीम आई, उन्होंने आके पूछा आगे पीछे गांव वालों से कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक संत मेडिटेशन किया करते थे, उनकी जगह थी वहाँ पे और जब एयरपोर्ट बनाते वक्त वो डिस्ट्रॉय की गई थी। उन संत का नाम था बाबा जवंत सिंह जी और हर साल 1 जुलाई वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो जब ये पता लगाया गया कि बाबा जवंत सिंह जी ने यहाँ पे बैठ के तपस्या मेडिटेशन की थी तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि उनकी जगह फिर से कंस्ट्रक्ट की जाए और वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब बनाया जाए। तो अभी आप देखोगे जब भी आप अमृतसर जाओ वहाँ पे एक गुरुद्वारा साहिब बनाया है, उसको संत सर गुरुद्वारा साहिब का नाम दिया गया है और वहाँ पे सुबह मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं और मेला लगता है वहाँ पे हर साल 1 जुलाई को। संत बाबा जवंत सिंह जी दे बारे तुहानू थोड़ा जा दसना चाहवांगी। तो उन्हों का जन्म 1880 होया सी, ते बाल उम्र विच ही उन्होंने भगती करन दा बहुत शौक सीगा। ते नाले जो भी अपने मुक्त बोलते सी वह सच हो जाता सी। तो 17 साल की उम्र विच उन्हों का विआह हो गया ते उन्हों दे फादर इन लॉ ने बाबा जी नू दिल्ली पुलिस विच भर्ती कर दिता। दिल्ली विच बाबा जी सीस गंज गुरुद्वारा साहिब विच रोज़ाना बाबा जी आसा दीवार दा कीर्तन करते सन ते दूर दूर संगतां उन्हां दा कीर्तन सुनन आंदियां सी। प्रभु चरणा दी खिच करन करके उन्होंने अपनी नौकरी छड़ दिती ते फिर सरदार बट्टा सिंह दे नाल गुरुद्वारा रावलपिंडी चले गए। बाद विच ओह फिरोज़पुर गुरुद्वारा आ गए जिथे उन्हां दा मिलाप बाबा नंद सिंह जी दे नाल होया। इत्थे दोनों महापुरश बैठ के भगती करदे सन ते उन्हां नू गुरु नानक जी ती इत्थे ही दोनों महापुरशां नू गुरु ग्रंथ साहिब जी तों प्रतख गुरु नानक देव जी दे दर्शन होए सी। ते बाद विच बाबा जी राजा सांसी चले गए सी जिथे उन्हां दी जगह अते गुरुद्वारा साहिब सांसर अज भी एयरपोर्ट विच मौजूद है। तीन सवार